अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर मंच पर विराजमान भारत के उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री एम वेंकैया नायडू जी, झारखंड के राज्यपाल महोदया माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे मंत्रिपरिषद के सहयोगी मंत्री डॉक्टर नीरा यादव जी, रांची संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री राम टहल चौधरी जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री महेश पोद्दार जी, माननीय विधायक डॉक्टर जीतू चरण राम जी, राज्य के मुख्य सचिव श्रीमती राजबाला वर्मा जी, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव श्रीमती आराधना पटनायक जी, शिक्षा विभाग सहित हमारे राज्य के अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सेना के सभी हमारे वरिष्ठ सैनिकगण, उपस्थित बड़ी संख्या में देवियों, सज्जनों और मीडिया के साथियों, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के इस पावन अवसर पर अपने बीच भारत के उपराष्ट्रपति माननीय वेंकैया नायडू जी को पाकर राज्य गौरवान्वित महसूस कर रहा है और इस अवसर पर माननीय उपराष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार झारखंड के धरती में उनका आगमन हुआ, इसके लिए भी मैं झारखंड की 3.25 करोड़ जनता की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। और साक्षरता दिवस के अवसर पर मैं आप सभी समस्त झारखंड वासियों को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की शुभकामनाएं भी देता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि झारखंड राज्य के 2000 गणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर 66.41% है, इसमें पुरुष साक्षरता दर 76.84% तथा महिला साक्षरता दर 55.42%। ये आंकड़े स्वयं में बता रहे हैं कि हमारे राज्य के समक्ष इस राज्य को शिक्षित करने में कितनी बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ यह खेद का विषय भी है कि हम नारी शिक्षा की दृष्टि से अपेक्षित प्रगति नहीं कर पाए। बहुत बड़ी आबादी विशेषकर जनजाति क्षेत्र में महिला आबादी अभी भी साक्षरता से शिक्षा से वंचित है। ऐसे में समाज का विकास कैसे होगा, झारखंड का उज्जवल भविष्य कैसे बनेगा, ये हम सबके लिए चिंता के विषय है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी राज्यपाल महोदया कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में स्वयं जाकर छात्राओं को निरंतर प्रोत्साहन करती रहती है। उनके इस कार्य से बालिका शिक्षा को काफी प्रोत्साहन मिल रहा है। इस कार्य हेतु उनके प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। मेरे सहयोगी मंत्री के सार्थक प्रयास से शिक्षा की तरफ अधिक ध्यान दिया गया है, जिसके फलस्वरूप
विगत 3 वर्षों में हमने लगभग 32 लाख से ज्यादा निरक्षरों को साक्षर बनाने में सफलता प्राप्त की है। हमें संपूर्ण शिक्षित झारखंड बनाना है और यह केवल सरकार नहीं कर सकती। यह बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आज मैं सरकार में हूं और नहीं कह पा रहा हूं इसलिए कि सरकार के साधन सीमित है, आवश्यकता है गैर सरकारी प्रयत्नों की, एक जन आंदोलन की। हम पढ़ेंगे पढ़ाएंगे और जो भी गैर पढ़ा लिखा संपर्क में आएगा उसको हम पढ़ाने का मदद कसमें करेंगे। लेकिन हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं लेकिन गरीबी में हम दबे हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि मां लक्ष्मी से पहले मां सरस्वती का विस्तार हम सबको करना हो। शिक्षा एक राष्ट्रीय कर्तव्य है और मेरा मानना है कि शिक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है या केवल शिक्षा विभाग या शिक्षा विभाग के कर्मचारियों अथवा विश्वविद्यालय कॉलेज या शिक्षण संस्थाओं का कर्तव्य नहीं है, यह हम सभी का कर्तव्य है। सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने का संकल्प किए हुए है मगर गैर सरकारी प्रयत्न भी चाहिए और इसलिए आज मैं समस्त झारखंड वासियों से अपील करना चाहता हूं कि गांव मोहल्ले टोले में जो भी हमारे शिक्षित लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि अपने अपने गांव को हम साक्षर गांव बनाएं। ये संकल्प लेने का दिन आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर है, अतः मैं समस्त झारखंड वासियों से अपील करते हुए कि अपना झारखंड राज्य को पूर्ण साक्षर बनाने के लिए के समक्ष जो हमारे समक्ष चुनौती है उस चुनौती को हम एक अवसर के रूप में लेकर झारखंड के विकास की गति को और तेज करें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी न्यू इंडिया का जो सपना देशवासियों के समक्ष रखे हैं, एक ऐसा भारत जहां 2022 में कोई निरक्षर ना रहे, कोई बेघर ना रहे, कोई ऐसा घर ना रहे जहां बिजली की सुविधा नहीं पहुंच पाई, तो एक नया भारत के बनाने में मैं झारखंड वासियों से अपील करना चाहता हूं। इस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर हम छोटे छोटे काम जो हम कर सकते हैं, जो हमारे टीचर हैं, एक्स टीचर हैं, अपने अपने गांव में शाम में हम एक आधे घंटे अगर अपने देश के लिए, अपनी समाज के लिए, अपनी राज्य के लिए हम समय दे, तो मैं मानता हूं कि 2020 तक झारखंड शिक्षित प्रदेश बन जाएगा। ये संकल्प आज जो हमारे जितने लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं उनसे मेरी अपील है, जो साक्षरता के दिशा में हमारे भाई बहन काम कर रहे हैं, जिन्होंने समाज के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी निभाने का काम किया, उनको भी इस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए इसी तरह
हमें झारखंड को शिक्षित प्रदेश बनाकर विकास की गति को और तेज करे, ये संकल्प आज हम सब ले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से भगवान बिरसा मुंडा की इस धरती पर अपने पहली बार उपराष्ट्रपति हमारे इस झारखंड में पहुंचे हैं, उनको मैं साधुवाद और धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड।